हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है दोस्तों 15 अगस्त, तो आज है भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो सबको मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सुनील को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए, क्योंकि सुनील भाई जा रहे हैं पुणे, और वो जा रहे हैं तात्या जी के साथ। ओ भाई, अपना काम तो बच गया फिर। तो सुनील भाई रेडी हो चुके हैं, इनको निकलना है सुबह सुबह पुणे के लिए। हाँ, और यहाँ पे सब लोग उनको विदाई देने के लिए आ गए हैं। मम्मी, कैसा लग रहा है आपका छोटा बेटा जा रहा है पुणे? अच्छा लग रहा है। क्यों? सही से जाना भाई, अपनी बाइक सूरज के यहाँ पे, गाड़ी चाहिए सूरज कड़े से। हाँ। तो भाई मैं जाने वाला था सुनील को छोड़ने के लिए, और फिर वहाँ से हमारे स्कूल जाने वाला था 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। बट ताते जी जा रहे हैं सुनील को अभी छोड़ने के लिए, तो मैं सीधा जाऊँगा स्कूल। चलो देख के आते, पहले तो चप्पल पहन के चलते। पापा जी गए उनको सी ऑफ करने के लिए। बाय सुनील भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुबह सुबह। बाय 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 रॉकी। अभी चलो तो गाड़ी, तो मैं जा रहा हूँ अभी नाना जी के साथ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और मंदिर के पास ही हमारा स्कूल है। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आते हैं, जय श्री राम बोल के आते हैं भगवान के पास। हनुमान भगवान जी ना इम्प्रेस हो जाएंगे उनके भगवान का नाम लेने से। जय श्री राम। चलो बच्चे आ गए हैं प्रभात फेरी करके। हम भी सुबह जब छोटे थे भाई, बहुत मज़ा आता था। सुबह सुबह उठ के सारे गांव में घूमते थे हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते थे। जय जय सो। हमारे सारे गांव वाले यहाँ पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर में हमारा स्वतंत्रता दिवस शुरू हो जाएगा। अरे यार बंद हो गया, बच्चा रोने लग गया डीजे का आवाज सुनकर। चलो भाई बाहर। आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत। कुछ क्षणों में ध्वज लहराएगा। जय 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 हे विजय असो। असे पूज्य गुरुजनांचे मान्यवर व माझ्या बालमित्रांनो, आज भारताचा स्वातंत्र्य दिन आपण हा उत्सव साजरा करण्यासाठी इथे जमलो आहोत। दोस्तों मुझे भी चॉकलेट्स मिल चुके हैं। धन्यवाद कि आपल्यासारखे दातेपुढ आले तर याच्यामध्ये कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही। दोस्तों हमारा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हो चुका है, और फिलहाल मेरी तरफ से मैंने स्कूल के लिए कुछ डोनेशन किया अपने एंड से, क्योंकि हमारे स्कूल की हालत आप देख सकते हैं इतनी अच्छी नहीं है, और इसी स्कूल से हमारा एजुकेशन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ अच्छा हो इस स्कूल के लिए। तो हमने हमारे एक मंथ की लगभग इनकम हमने डोनेट कर दी है हमारे स्कूल के लिए यूट्यूब की, और ये सब आपकी बदौलत हो पाया है। तो दोस्तों मस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट हो चुका है। देखो बच्चे जो चॉकलेट्स के रैपर्स है उनको जमा कर रहे हैं। इधर दादा, थम 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 थम। ये है हमारा स्कूल, फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड तक का मराठी मीडियम स्कूल है हमारा भाई। यहाँ पे बैठते थे हम लोग जब हम सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तब यहाँ आए थे स्कूल में। ये नया बना था तब, मतलब 2002 की बात है। ये पेड़ वगैरह सब हमने लगाए थे, कितने बड़े हो गए। और यहाँ पे खाना खाते थे हम लोग बाहर बैठ के। चलो दोस्तों अभी जाते हैं घर, मस्त एंजॉय करते हैं खाना के लिए।
श्रुती यायचं का? अरे चल चलो दोस्तों, घर में। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है भाई। हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोगों की बदौलत से हम कुछ तो हमारे स्कूल के लिए वापस दे पाए। आज तक उस स्कूल ने हमें यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी तरफ से छोटा सा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था। मम्मू शाळेसाठी आपले यूट्यूब से एक पेमेंट दिला वो नहीं बताएंगे हमारा स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है और मतलब मैं जब दूसरी स्टैंडर्ड में था तब बना था, वो गवर्नमेंट ने बनाया था और अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है ना कि वो रिपेयर करवाना पड़ रहा है उसको। तो जो गांव वाले सब मिलके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। टीचर बोल रहे थे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो सर वही बता रहे थे कि हमारे स्कूल से पढ़ के बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं, MNCs में है, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं जो हम सेम स्कूल से पढ़े, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि यार हम हमारी तरफ से कुछ उसको कंट्रीब्यूट कर पाए। और मैंने अपने यूट्यूब की कुछ अर्निंग स्कूल के लिए दे दी है, तो ये सब आपकी बदौलत हो चुका है। और जब मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, वहाँ पे मैं स्कूल में बैठा था, खाना खा रहा था, हमारे गांव में कुछ तो फंक्शन था, तो तब मुझे लोग चिढ़ा रहे थे यार क्या यूट्यूब, तो अच्छा लग रहा है यार आज अपने यूट्यूब से कुछ तो। थैंक यू सो मच, आपकी बदौलत हो पाए। और आगे जैसा जैसा YouTube चैनल ग्रो होगा ना यार, ये YouTube चैनल से यार मैं सीरियसली मतलब मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना पहुँचूँ लोगों तक, मैं कुछ करूँ जो मतलब मुझे याद रहे, मुझे इसके ज़रिए कुछ अच्छा हो, तो यही मेरा मोटिव है। तो देखो यार अपने भाई को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं। मम्मा चलो बड़े वाट लगा पप्पा चलावने के लिए। चलो दोस्तों थोड़ी देर सोते हैं, कल भाई बिग बॉस देख रहा था, काफ़ी लेट सो गया और ब्लॉग भी एडिट करना रह गया था, तो अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सो जाता हूँ मैं। कैसा लग रहा है सुनील नहीं घर पे, कैसा वाटते तुला? हाँ मैं आए तुझे साठी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो अभी। हाँ हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ ये कर लेते, समझे? कर दो भाई, किसके नाम पे करना है। कपड़े बदलने की भी इच्छा नहीं हो रही है भाई मुझे यार, मुझे वजन कम करना पड़ेगा यार, एक है ना बड़ा वाला चैलेंज लेता हूँ मैं अब, बस हो गया यार। चलो उससे पहले सो जाता हूँ, बाद में लूँगा चैलेंज। ये मेरा आई मास्क ड्रीम, हमेशा सपने देखते रहो दोस्तों। चलो सो जाते हैं, सपने देखने के लिए सोना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों मैं इतनी ज़बरदस्त नींद में सो गया था ना भाई, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, मतलब मैं 3 बजे सोया हूँ, 6 बजे उठा हूँ और वो भी मुझे पायल ने ज़बरदस्ती उठाया, अभी उठो उठो करके, मतलब इतनी गहरी नींद ना क्या बताऊँ यार, क्या हो रहा है मुझे अबे यार। मेरी चड्डी, मेरी चड्डी दरवाजे से अटक गई, माँ जी चड्डी दरवाजे से अटक गई थी। अम्मा कशी झाली तू, खतरनाक। कभी कभी ना मैं नींद से जब उठता हूँ ना मेरा दिमाग अलग ही तरीके से काम करने लग जाता है। अरे फ्रेश हो जाता है। बायल जी थोड़ा सा पानी दीजिए हमें और एक कप कॉफी, नहीं तो चाय कड़क बनाओ एकदम। हाँ सुनील गया तो थोड़ा सा वो भी इफेक्ट हो रहा है, घर खाली खाली लग रहा है। चाय टाइम दोस्तों, चाय पी लो। मम्मी ए मम्मी चाय टाइम दोस्तों। मेरे मम्मी के पैर दबाने पड़ रहे हैं मुझे आज, क्योंकि हमारी मम्मी बोल रही है क्या हुआ है मम्मी तुझे, हाँ मम्मी के पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कैसे पापा बोल रहे हैं पैर दबाने वाला गया है पुणे। मम्मी मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाता, अभी तो तू बोलेगी हाँ क्योंकि अभी नहीं दबाऊंगा तो तू बोलेगी, पर सच सच बताओ मैं पैर नहीं दबाता। ये पप्पा है ना कुछ भी नेगेटिव पीआर करते हैं, नेगेटिव बातें बताते हैं, ऐसा थोड़ी उल्टा मेरा नसीब देखो कितना अच्छा है,
घर पे हूँ, काम कर रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है ना मम्मी, कहता हूँ भैया ऐसे चलता रहे मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहे जिंदगी भर, मेरे बच्चे उच्चे इधर ही पढ़ेंगे, गांव में खेलेंगे, मस्त घूमेंगे, इधर हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा यार। वही तो, काही इंग्लिश मीडियम पाहिजे ना, काही हेच पाहिजे ना, काही टिफिन भरायचा, काही बाटली भरायची, काही लई शिकायचं तुम्हाला, बाजरीच्या बियाचे पिशा राहायच्या शाळेत जायला, टीलचे डबे आवडले आणा वटाणे आणि हरभरे भरून घरी भाज्या करायला। मम्मी बता रही है इंग्लिश मीडियम में थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, तो मराठी मीडियम से है भाई, और हमारे हमें तो टिफिन वगैरह भी नहीं होते थे, हम वो जो स्टील के डब्बे ना थे शुगर के, उसमें खाना भर के लेके जाते थे, और फिर हमारे पास स्कूल बैग भी नहीं हुआ करती थी, मक्का लगानी है आपको या फिर चावल लगाना कुछ भी, उसकी जो बोरियां नहीं आती प्लास्टिक की, उसको उसको कट करके उसमें हम हमारे मतलब नोटबुक्स वगैरह रखे जाते थे। मम्मी बोल रहे तुम लोगों ने ऐसा एजुकेशन किया है, उससे तो बेटर ही है आजकल, एवढे पोर आपले इंजिनियर झाले तसे शिकले सगळे, कोणी इंग्लिश मॅडमला गेलं हा बरं वाटलं ना, बरं वाटलं ठीक, काही दुसरा नाही दुखत आहे ना नाही। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग को ये एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपका अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लॉग्स, बाय बाय। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog, और आज है 15 अगस्त, तो सबको लगाए आवाज तो रे मागे मुस्ता।